दोस्तों, शरीर को संतुलित रखने के लिए खून का शुद्ध होना जरूरी होता है। अगर शरीर में मौजूद टॉक्सिन्स रक्त धातु को दूषित कर देते हैं तो उससे अनेक बीमारियां हो सकती हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं मोहित एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन अवर यूट्यूब चैनल फाइव एलिमेंट्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रक्त मोक्षण थ्रू लीच थेरेपी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जंक फूड, खराब भोजन, ज़्यादा खट्टे और ज़्यादा नमक वाले पदार्थों का सेवन, नींद की कमी, मोटापा आदि कारणों से रक्त दूषित हो जाता है और आयुर्वेद में उसी दूषित रक्त को निकालने के लिए रक्त मोक्षण किया जाता है। ब्लड डिटॉक्सिफिकेशन की यह प्रक्रिया दो शब्दों से बनी है, रक्त यानी कि खून, मोक्ष यानी बाहर निकालना। यानी कि जब दूषित रक्त को शरीर से बाहर निकाला जाता है उसे रक्त मोक्षण कहते हैं और यह आयुर्वेद के पंचकर्मों में से एक कर्म है। दोस्तों, जब रक्त में पित्त का प्रकोप होता है तो उस कंडीशन में जलोका या जोंक का प्रयोग किया जाता है। तो इसका उपयोग त्वचा रोग, दाद, पिंपल्स, एक्ने, हेयर प्रॉब्लम्स, एक्जिमा, सोरियासिस, इचिंग, अल्सर्स और गाउट जैसी अनेक बीमारियों को दूर करने के लिए किया जाता है। दोस्तों, रक्त मोक्षण के दौरान आपको कुछ विशेष सावधानियां बरतने की आवश्यकता होती है, जैसे कि रक्त मोक्षण थेरेपी के दौरान और बाद में काम, तेज शोर, हैवी एक्सरसाइज, हवाई यात्रा और सीधी धूप के संपर्क से परहेज करने की सलाह दी जाती है। इस थेरेपी को लेते समय खुद को गर्म रखें और हवा से दूर रहें। इस थेरेपी के दौरान कुछ पदार्थ जैसे चीनी, नमक, दही, कैफीन, खट्टा स्वाद वाला भोजन और शराब से परहेज करने की सलाह दी जाती है और रक्त मोक्षण थेरेपी के दौरान हल्का और आसानी से पचने वाला भोजन करना चाहिए। दोस्तों, वैसे तो रक्त मोक्षण काफ़ी सेफ एंड सिक्योर प्रोसीजर है, परंतु इसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, इसलिए रक्त मोक्षण को हमेशा अनुभवी आयुर्वेदिक डॉक्टर से ही करवाएं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो, रक्त मोक्षण बाय लीच थेरेपी। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज हम लाते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड स्टे हेल्दी।